हेलो, वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। इस क्लास में हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को हिंदी में स्टडी करेंगे। यदि आप इंग्लिश में इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम और आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि पुराने वीडियोस और जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। सामान्य भाषा में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट को कटा तालु, कटा होठ, विभाजित होठ या विभाजित तालु कहते हैं। विभाजित होठ या विभाजित तालु सबसे आम जन्म दोष या जन्मजात विसंगति है। विभाजित होठ और विभाजित तालु ऊपरी होठ और मुंह के छत या तालु में दोनों में विभक्ति होती है। विभाजित होठ कब बनता है? यदि वो ऊतक जो होठों को बना रहा है वह जन्म से पहले पूरी तरह आपस में नहीं मिल पाता है। होठों में विभाजन एक छोटी सी दरार के रूप में भी हो सकता है या यह बड़ा विभाजन भी हो सकता है जो होठ के माध्यम से नाक तक चला जाता है। विभाजित होठ एक तरफा भी हो सकता है और द्वितरफा या द्विपक्षीय विभाजित होठ भी हो सकता है। एक तरफ होने का मतलब है कि यहाँ इस प्रकार एक तरफा या तो राइट साइड में और या लेफ्ट साइड में, और या दो तरफा या बाइलेटरल हो सकता है, यहाँ देखिए दोनों साइड में भी हो सकता है। ये दोनों जो कंडीशन है वो काफी देखी जाती है। कभी कभी सेंट्रल में भी हो सकता है, बीच में यहाँ पर वो रेयर कंडीशन है। ज्यादातर ये एक साइड का या दोनों साइड का होगा। तो ये विभाजित होठ है वो अकेला भी हो सकता है और विभाजित तालु के साथ में भी ये समस्या हो सकती है। विभाजित तालु क्या है? विभाजित तालु तब बनता है जब वो ऊतक जो मुंह की छत का निर्माण कर रहे हैं वो गर्भावस्था के दौरान बीच में पूरी तरह आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ शिशुओं के लिए जो तालु है वो आगे और पीछे दोनों कंप्लीट विभाजन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ कंडीशन में केवल पीछे का हिस्सा खुला होता है और आगे से कंप्लीट होता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, ये पार्शियल हो गया और ये फुल विभाजित तालु। ठीक, अब हम आते हैं कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। साइन एंड सिम्टम आपको पता है, जो उसकी अपीयरेंस है वो प्रभावित होगी। दिखने में मुंह और तालु के जो होठ या छत का जो विभाजन है वो क्लियरली देखा जा सकता है, एक तरफ या चेहरे के दोनों तरफ। होठ में विभाजन यदि है तो होठ में केवल एक छोटे से हिस्से में निशान के रूप में भी हो सकता है या वो बड़ा भी हो सकता है कि होठ से नाक तक बीच में तालु में भी वो दिखाई दे, तो कम या ज्यादा ये होठ का विभाजन हो सकता है। अब है कि जो तालु का विभाजन है यदि पार्शियल है या पूरा भी है, बाहर तक नहीं आया हुआ, तो चेहरे की उपस्थिति को वो प्रभावित नहीं कर पाता है और नॉर्मली जस्ट आफ्टर डिलीवरी हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, पता भी नहीं चलता कि कोई जन्मजात विसंगति है, वो बाद में पता चलती है लेटर इन द लाइफ। और क्या लक्षण होंगे कि फीडिंग में दूध पीने में बच्चे को कठिनाई होगी, जो भी वो तरल पदार्थ या दूध ले रहा है वो नाक से बाहर आ सकता है या निकलने में कोई कठिनाई हो सकती है, और जो वो बोल रहे हैं वो जो साउंड आती है वो नाक से आती हुई प्रतीत होती है, और इसके अलावा क्रोनिक जो ईयर इन्फेक्शन है वो भी बच्चे में हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के। अब आते हैं कि जांच या जो डायग्नोसिस है वो इसका कैसे होगा। तो डायग्नोसिस के लिए स्पेशल तकनीक की जरूरत नहीं है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी या डिलीवरी के कुछ समय बाद यदि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो एक डायग्नोसिस ही है, उसके लिए कोई स्पेशल जांच की जरूरत नहीं है। और यदि बहुत ही कम है, बाहर से दिख नहीं रहा है वो स्प्लिट, तो आप कुछ समय बाद भी जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी उसके बेस पे आप पता लगा सकते हैं। बट जन्म से पहले यदि हम इसका पता लगाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास साधन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो भी जन्मजात काफी जन्मजात विसंगतियां
जो बाहरी हैं उनका पता लगाया जा सकता है और उसके लिए तैयारियां की जा सकती हैं, कई बार ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं अंतर्गर्भाशयी निदान। उसके बाद है कि डिलीवरी हो गई, उसके बाद इलाज क्या किया जाए। तो नॉर्मली जो ये बीमारी है कटा होठ और कटा तालू, ये जानलेवा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपीयरेंस एक बड़ा कारण हो सकता है। विभाजित होठ या विभाजित तालू वाले बच्चों की जो सेवाएं और जो उपचार हैं वो विभाजन की गंभीरता पर निर्भर करता है, बच्चे की उम्र और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है, और संबद्ध सिंड्रोम या अन्य जन्म दोष की उपस्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। उसके आधार पर जो इलाज है वो अलग अलग हो सकता है। ज्यादातर इसका जो इलाज है वो सर्जिकल होता है, यानी ऑपरेशन किया जाता है, और बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन होता है। विभाजित होंठ का सर्जिकल मरम्मत आमतौर पर जीवन के पहले कुछ महीनों में हो जाता है, और कोशिश करते हैं कि कम से कम 12 महीनों के अंदर तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो विभाजित तालू है उसके लिए थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बट फिर भी जीवन के आरंभिक 18 महीनों तक ये हो जाना चाहिए विभाजित तालू का ऑपरेशन भी। यदि हम ये ऑपरेशन करते हैं और सर्जिकल मरम्मत से ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चे की चेहरे की बनावट में कंप्लीट सुधार आ जाता है। थोड़ा सा निशान रह सकता है बट फिर भी काफी सुधार होता है, और इसके अलावा सांस लेने, सुनने, बोलने और भाषा के विकास में भी काफी सुधार देखा जाता है। उपचार के साथ विभाजित होंठ और विभाजित तालू वाले अधिकांश बच्चे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। विभाजित होंठ या विभाजित तालू वाले कुछ बच्चों में आत्मसम्मान के साथ कुछ समस्या हो सकती है, गिल्टी फील हो सकता है उन्हें, यदि उनकी तुलना अन्य बच्चों के साथ जो दिखाई दे रहे हैं उनका चेहरा या क्लियर है, विभाजित तालू नहीं है, उनके साथ कंपेयर किया जाए, तुलना करते हैं, तब थोड़ा सा मानसिक से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और काउंसलिंग भी की जा सकती है बच्चों की पेरेंट्स की। इसके बाद आता है कि इन बच्चों की जो नर्सिंग केयर है वो कैसे की जाए। तो नर्सिंग केयर में जो मेन बातें हैं वो इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो हम नर्सिंग प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य बनाएंगे कि हमारा गोल क्या है इस बच्चे की केयर में। तो उसके लिए पहला सबसे बड़ा गोल होगा कि पर्याप्त न्यूट्रिशन या पोषण का स्तर बनाए रखना, क्योंकि वहां प्रॉब्लम है, बच्चा सही से दूध नहीं पी रहा है, तो उसका पोषण पे हमें ध्यान देना है। और जो ये समस्या है उसका परिवार का जो कोपिंग मैकेनिज्म है, मुकाबला तंत्र है, उसको बढ़ाने का एक लक्ष्य है। नवजात शिशु के शारीरिक दोष के बारे में माता पिता की चिंता और जो ग्लानि की भावना होती है उसको कम करना, और माता पिता के जो विभाजित होंठ और तालू की जो भविष्य की इलाज है उसके लिए उनको तैयार करना, ये हमारे प्रमुख लक्ष्य हैं। इनको पूरा करते हुए हम नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे। तो नर्सिंग केयर में सबसे पहले पर्याप्त पोषण बनाए रखना, जिसमें स्तनपान को हम प्रोत्साहित करेंगे, यदि स्तनपान वो सही से ले रहा है तो। यदि नवजात शिशु स्तनपान नहीं कराया जा सकता है, दिक्कत आ रही है, तो जो माँ के दूध है उसे हम एक्सप्रेस करके पंप द्वारा निकालने के बाद उस दूध को बच्चे को पिला सकते हैं, फीडिंग पंप के माध्यम से। पोजीशनिंग, यदि जो विभाजित होंठ एक तरफ का है तो दूध पिलाते समय जो माँ का निप्पल है वो दूसरी साइड में रखना चाहिए। मान लो इधर से कट है तो इस साइड से पिलाएंगे, और इधर कट है तो इस साइड से पिलाएंगे, तो उससे बच्चा दूध आराम से सक कर पाएगा। और इस केस में ध्यान ये रखना चाहिए कि जो फीडिंग है उसमें बच्चे को लिटाने की स्थिति की बजाय बिठाने की स्थिति में रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, ताकि बच्चा आराम से दूध पिए और सक्स प्रॉपर तरीके से कर सके, नाक से या साइड से दूध ना निकले। इसके अलावा स्पेशल जो उसके भोजन के इक्विपमेंट्स हैं उनका हम यूज करते हैं, जिसके बोलते हैं खिलाने के या फीडिंग के जो उपकरण है, उसके लिए क्या करते हैं कि खुले तालू में प्रविष्ट होने वाले जो मेमने के निप्पल या लैम्स निप्पल होते हैं, लंबे होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। आप देखिए इस प्रकार के होंगे वो, तो उससे क्या होगा कि जो विभाजित स्पेस है वहां पर ये निप्पल आ जाएगा इस प्रकार, और इसके यहाँ से फिर बच्चा दूध आराम से सक कर पाएगा। इसके अलावा लेम्स निप्पल की ये टीट्स भी आती हैं, इनको बोतल पे लगाकर
और उस जो मदर्स मिल्क एक्सप्रेस किया हुआ है वो दूध उसको पिला सकते हैं। और एक जब वो अस्पताल में है और हम उसकी केयर कर रहे हैं, तो असेप्टो सिरिंज का और या रबर की ट्यूब का, नलिका का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, जिसे हम ब्रेक फीडर भी कहते हैं। वो इस प्रकार हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनसे हम उसकी जो फीडिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद है कि परिवार का मुकाबला तंत्र को बढ़ावा देना। इसका मतलब कि जो परिवार की कोपिंग मैकेनिज्म है उसको इंक्रीज करेंगे और उनका जो दोष या निराशा के जो भाव हैं उनको बताने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करें और उन्हें दूर करें। माता पिता को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें, दोषों के सुधार और संभावित उपचार के सकारात्मक पहलुओं की व्याख्या करें, परिवार की चिंता को कम करें, परिवार को क्लेफ्ट की मरम्मत के और ऑपरेशन के बारे में जानकारी दें, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें आश्वस्त करें कि कोई भी प्रश्न मान्य है, यानी जो भी उनके मन में आ रहा है वो प्रश्न वो पूछ सकते हैं और उसका उनको उत्तर मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा परिवार को शिक्षण प्रदान करें, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल से संबंधित जो भी सामान्य दिनचर्या होंगी वो उन्हें बताएं। लिखित जानकारी भी दे सकते हैं, कोई प्रिंटिंग मटेरियल है वो दे सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पॉइंट्स बच्चे के माता पिता समझ रहे हैं, तो प्रिंटिंग मटेरियल भी दे सकते हैं और आप उन्हें वर्बली समझा भी सकते हैं यदि वो पढ़ने लिखने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा जो अन्य नर्सिंग देखभाल है वो सारी नर्सिंग केयर आपको लिखनी है, करनी है, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक अस्पताल में कोई बच्चा है तो उसकी नर्सिंग केयर की जाए, कैसे की जाए, वो पॉइंट्स भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। उस लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसमें पहले के और आगे आने वाले लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो धन्यवाद, आपका दिन।